पहले श्री श्री येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए जा चुके थे, अब श्री बोम्मई पर भी इसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। हैं, उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर की है कि वहां पे जो अनऑफिशियल फ्लैग है उसके ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर नजर आई, इसको लेकर प्रोटेस्ट वगैरह भी वो लोग कर रहे हैं। यात्रा में व्यवधान डालने के लिए और जनता का ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार के आयोजन प्रायोजित किए जाते हैं। केजरीवाल जो है महात्मा गांधी जी की समाधि पे नहीं गए, इसको लेकर वीके सक्सेना जो कि एलजी हैं उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखी है। इन 2 अक्टूबर को समूचा देश कृतज्ञ राष्ट्र महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करता है। केजरीवाल जी को भी इसका अनुसरण करना चाहिए था। सर एक्साइज इसमें सीबीआई ने सीबीआई को जो है कस्टोडियल रिमांड मिली है विजय नायर की जो कि जांच कांग्रेस। एजेंसियों को अपने तरीके से काम करने देना चाहिए, यद्यपि उसका रणनीतिक दुरुपयोग ना हो इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। जो है वो इलेक्शन होने हैं 18 तारीख को, इससे पहले जो शशि थरूर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक नई कांग्रेस बनाएगी जब बन जाएंगे वो अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी में वैचारिक स्तर पर काफी बहस जारी है। लोकतांत्रिक तरीके में पटरी पे पार्टी को लाने के लिए चुनाव हो रहा है। एक सहयोगी पार्टी होने के नाते हम इसका स्वागत करते हैं।